बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 पास पेपर्स का। ये कहता है अ ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड हैज अ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। द ट्यूब कंटेन्स सम सैंड सो दैट द ट्यूब फ्लोट्स अपराइट इन लिक्विड इज शोन। दिस वन, इसमें सैंड है तो अपराइट है और ये डेप्थ पे डी है, ये सैंड है, ये लिक्विड, ये ट्यूब है। व्हेन द ट्यूब इज एट रेस्ट, जब रेस्ट में है, द डेप्थ डी ऑफ इमर्शन ऑफ द बेस ऑफ द ट्यूब इज 16 सेंटीमीटर। ये इधर से लेकर तक 16 सेंटीमीटर जब ये इसमें रेस्ट में है। फिर द ट्यूब इज डिस्प्लेस्ड वर्टिकली एंड देन रिलीज। ट्यूब वर्टिकली किया जाता है और फिर रिलीज किया जाता है उसको। तो बेसिकली ये इसका मेन पोजिशन है, जिसके लिहाज से ये ऊपर नीचे मूवमेंट करता रहेगा, ऑसिलेट होता रहेगा, ये इसकी मेन पोजिशन ही रहेगी। द वेरिएशन टाइम टी ऑफ द डेप्थ डी ऑफ द बेस ऑफ द ट्यूब इज शोन दिस फिगर 3.2। ये वेरिएशन टाइम पीरियड की बता रहा है। देखें ये देखिए ये बता रहा है ये 16 सेंटीमीटर है, यही इसकी मीन पोजीशन है, ऊपर और नीचे बिल्कुल एक जितना जा रहा है। यानी ये इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा और ये इसका टाइम पीरियड इस तरीके से हो रहा है। ये 16 सेंटीमीटर की जो डेप्थ है, ये डी सेंटीमीटर डेप्थ है, डेप्थ और डी ऑफ द बेस, ये 16 पे ही ये ओसिलेट कर रहा है। यानी बेसिकली आप समझने की कोशिश करें कि ये जो है इसका मेन पोजीशन होगा और ये ओसिलेट करेगा अप एंड डाउन, इतना ये इधर तक आएगा सिलेंडर इस तरह, और फिर ये मेन पोजीशन होगी, फिर इतना ऊपर तक जाएगा, इधर तक जाएगा ऐसे। ये यानी ये इन दोनों के दरमियान ओसिलेट करेगा, ये एम्पलीट्यूड होगा इसका और ये हमेशा 16 सेंटीमीटर होगा। अच्छा, तो आप देखिए कि इसमें अब ये है, अब इसमें देखें क्या क्या पूछता है। ये आगे कह रहा है कि यूज फिगर 3.2 डिटरमिन फॉर द ओसिलेशन ऑफ द ट्यूब द एम्पलीट्यूड और द पीरियड। टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड दोनों दिखाने हैं हमने। ये देखिए टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड, ये समर 2009 का पेपर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। देखें एम्पलीट्यूड तो हमारा यही है इधर तक, अगर आप काउंट करें ये, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड आपका ये देखें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है और ये 20 का एक है, तो एम्पलीट्यूड तो 0.5 सेंटीमीटर है। क्लियरली एम्पलीट्यूड 0.5 सेंटीमीटर है। और टाइम पीरियड देखें, टाइम पीरियड अगर दिखाना चाहें, अगर आप देखना चाहें ये टाइम पीरियड, ये काउंट करना पड़ेगा ये बॉक्सेस, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बॉक्सेस हैं पूरे, देखें पीक टू पीक इधर तक 16 बॉक्सेस हैं। और एक टाइम पीरियड में ये 1 में जो है 1 सेकंड में 20 बॉक्सेस हैं, तो आप ये देखें कि अगर ये 20 बॉक्सेस जो है 1 सेकंड में है तो 16 बॉक्सेस कितने सेकंड में आ जाएंगे, तो एक से आ जाएगा 1 × 16/20, तो ये चार्ज ये आ जाएगा 0.80 सेकंड्स। तो टाइम पीरियड इसका 0.80 सेकंड्स आया और इसका एम्पलीट्यूड ये है, तो मैं लिखता हूँ एम्पलीट्यूड इसका है 0.5 सेंटीमीटर्स और टाइम पीरियड इसका आया 0.80 सेकंड्स 2 decimal places में। अच्छा, 2 significant figure। अब आगे ये कहता है कैलकुलेट द वर्टिकल स्पीड ऑफ द ट्यूब एट अ पॉइंट वेयर द डेप्थ इज डी इज 16.2 सेंटीमीटर। देखिए डेप्थ 16.2 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर तो मेन पोजीशन है, तो इसका मकसद देखिए डिस्प्लेसमेंट एक्स कितना होगा, 16.2 - 16 तो ये होगा 0.2 सेंटीमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट 0.2 सेंटीमीटर है और एम्पलीट्यूड 0.5 सेंटीमीटर है। स्पीड चाहिए आपको, तो v इज इक्वल होता है प्लस माइनस ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला। अगर प्लस माइनस स्पीड पूछता है तो इसको हटा दें, और ये रेडियन पर सेकंड में कोई यूनिट का फर्क नहीं है, ये सेंटीमीटर में, तो ये क्योंकि सेंटीमीटर पर सेकंड में पूछता है तो वही वैल्यूज पुट करें। अब लेकिन ओमेगा हमें चाहिए, ओमेगा ये टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप ओमेगा मालूम करेंगे, ओमेगा होगा 2π/T, तो ये वैल्यू पुट करें, 2π/T की वैल्यू 0.80, तो ओमेगा इससे आ जाता है 7.85 रेडियंस पर सेकंड। अच्छा, इसमें ये पुट करें 7.85 एक्स नॉट स्क्वायर, ये है 0.5 का स्क्वायर और माइनस 0.2 का स्क्वायर, ये कैलकुलेशन आप सिंप्लीफाई करें
तो वी आ जाता है हमारा वी आ जाता है तकरीबन 3.6 सेंटीमीटर, तो इसकी स्पीड 3.6 सेंटीमीटर होगी पर सेकंड, यानी 16.2 सेंटीमीटर डेप्थ पे। अच्छा ये कह रहा है स्टेट वन अदर डेप्थ डी वेर द स्पीड विल बी इक्वल टू दैट कैलकुलेटेड वन। सारी बात स्पीड, अगर ये देखिए अगर ये 16 सेंटीमीटर है, इसके ऊपर है यानी ये नीचे है 16.2 सेंटीमीटर, ये इधर सेम है तो इसके ऊपर देखिए ये ऊपर और नीचे सेम डिस्प्लेसमेंट पे यानी मैग्नीट्यूड हो तो वो सेम स्पीड होती है, तो ये 0.2 का 0.2 का इधर ये होगा यकीनन 15.8 सेंटीमीटर, तो ये डेप्थ आपकी चाहिएगी 15.8 सेंटीमीटर। इसको समझने की कोशिश करें क्योंकि देखें देखें इसमें 0.2 सेंटीमीटर के डिस्प्लेसमेंट पे वही है, तो अगर वही डिस्प्लेसमेंट 0.2 सेंटीमीटर ऊपर हो तो ये 16 सेंटीमीटर की जीरो पोजीशन है तो ऊपर हो जाएगा 15.8 सेंटीमीटर। फिर सी पार्ट इसमें ये कह रहा है, ये कह रहा है कि एक्सप्लेन पार्ट वन में एक्सप्लेन व्हाट्स मीन बाय डैम्पिंग, डैम्पिंग से क्या मुराद है, दो मार्क्स का है। लेकिन डैम्पिंग से ये होता है कि जो बेसिकली यानी व्हेन देयर आर, मैं इसका पूरा लिख देता हूँ, इसका वैसे टॉपिक आप लोगों ने किया हुआ है, व्हेन देयर आर डिसिपेटिव फोर्सेस, डिसिपेटिव आर रेजिस्टिव फोर्सेस टोटल एनर्जी ऑफ द ओसिलेटर कंटिन्यूअसली रिड्यूसेस टू ओवरकम दीज फोर्सेस, टू ओवरकम दीज फोर्सेस ड्यू टू दिस एम्पलीट्यूड ऑफ द ओसिलेटर डिक्रीजेस। This is known as damping. आप डैम्पिंग को इस तरह कर सकते हैं। फिर ये पार्ट टू देखें इसका, ये कह रहा है द लिक्विड इन बी इज नाउ कूल्ड, कूल्ड की जा रही लिक्विड, सो दैट ऑल्दो द डेंसिटी इज अनचेंज देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन द लिक्विड एंड द ट्यूब एज इट ऑसिलेट्स, फ्रिक्शन हो जाती है। हैविंग बीन डिस्प्लेड द ट्यूब कंप्लीटली कंप्लीट्स अप्रोक्सिमेट 10 ऑसिलेशंस before coming to rest. On figure 3.2, draw a line to show the variation time t of depth d for the first 2.5 seconds of the motion. On figure 3.2, draw a line, ek line draw karein to show the variation time t of depth d for the first 2.5 seconds of the motion. Hame depth d ki variation ko dekhna hoga, dekhein ये लाइन कह रहा है कि बेसिकली सारी ये दूसरे आ गए, ये लाइन कह रहा है कि लाइन आप निकालें, और बेसिकली लाइन तो नहीं हो सकती, ग्राफ ही होगा इसका भी, क्योंकि लाइन तो लाइन भी फिर निकाल सकते हैं बाद में, फिर लाइन भी निकालते हैं इसका। सबसे पहले तो इसका हम देखें, अगर मैं इसका ग्राफ निकालूं फिर लाइन के उसके साथ कर दूंगा मैं। देखिए एम्पलीट्यूड, अगर मैं देखो लाइन का बाद में दिखाता हूँ, एम्पलीट्यूड देखूँ तो इधर से ये होगा और ये हमेशा कम एम्पलीट्यूड पे होता जाएगा, ऑलवेज ये कम होता जाएगा इधर, ये कम होता जाएगा हमेशा, इसको डिक्रीज करते जाएं ये डिक्रीज होता जाएगा। तो अगर लाइन ये कह रहा है, लाइन आप निकालनी है, लाइन तो बहरहाल कोई हो नहीं सकती, यानी ये इसी यही होगा, यही एग्जाम्पल मांग रहा, लाइन नहीं है, यानी बेसिकली उसका मकसद यही है कि आप एक कर्व किस तरीके से बनाएंगे, ये थोड़ी सी कर्व देखिए हमेशा इसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, तो आप इस तरीके से यानी टाइम पीरियड तकरीबन सेम होगा और एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, टाइम पीरियड सेम होगा, एम्पलीट्यूड हमेशा ऑलवेज कम होता जाएगा, तो इस तरीके से डैम्पिंग की जिस तरह होती है ग्राफ वो आप निकालेंगे।